हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज की मजेदार रेसिपी है ब्रेड पकौड़ा रेसिपी। इस सिंपल और बड़े ही कम से कम समय में बनने वाली रेसिपी है। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसे आप जरूर से बनाइए और एंजॉय करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए होगा बेसन 1 कप, और उसके बाद ऐड करेंगे 1 ऑनियन जो कि बारीक चॉप करके रख लिया था, और उसके बाद ऐड करेंगे 1 आलू ऐड करेंगे जो कि अच्छे से बारीक से चॉप करके रख लिया था। तो आलू को ऐड करने के बाद ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधी टीस्पून, और उसके बाद ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट अनुसार लें। उसके बाद ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, और उसके बाद ऐड करेंगे वाटर 1 कप लगेगा, या आप देख समझ कर ऐड करें। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं जो कि ट्रायंगल शेप में अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह से आप भी कट कर लें। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने कढ़ाई में जो है ऑयल को अच्छे से प्रीहीट कर लिया है, और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मिक्सचर डाल के चेक करें हैं वेदर ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो आप भी इसी तरह से चेक करें, और इसको जो है हम कच्ची के मदद से साइड रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 ब्रेड स्लाइस लेंगे जो कि हमने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया था, और अच्छे से डिप कर लेंगे बेसन के मिक्सचर में, और इस तरह से ऑयल में ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा ब्रेड का स्लाइस भी गरम गरम तेल में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है दोस्तों, बड़ी ही मज़ेदार लगती है। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आप ज़रूर से क्लिक करें, और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से ऑन करें ताकि हमारे ऐसे नए और अमेजिंग रेसिपीज़ को आप देख सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रेड स्लाइसेस जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। तो चलिए इसे एक प्लेट में ले लेंगे और एंजॉय करेंगे टोमेटो सॉस के साथ, या आप ग्रीन चटनी, कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। है ना मज़ेदार रेसिपी, और बिल्कुल कम से कम इंग्रेडिएंट्स और कम से कम समय में बन जाती है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें और आपके फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये रेसिपी आप ट्राई करें तो हमें ज़रूर ग्रीन किचन 009 पर टैग करें इंस्टाग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।